नमस्कार, मैं संतोष गुरु आप लोगों को आज एक ऐसी इम्पोर्टेंट माहिती देने वाला हूं जिसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में और आप जहां पे रहते हो वो एनवायरनमेंट में काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाला है, काफी पॉजिटिव बदलाव होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जब जहां हम रहते हैं यदि उसकी ऊर्जा उसकी ओरा प्रॉपर नहीं है तब क्या होता है, हम जैसे तैसे अपनी लाइफ गुजारते हैं विथ नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी। क्यों? क्योंकि वहां पे एनर्जी बैलेंस नहीं है। इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं आज आपको बताऊंगा हिमालयन पिंक सॉल्ट के बेनिफिट्स। हिमालयन पिंक सॉल्ट लैम्प, उसके इतने अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में काफी अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। इस पर वास्तु की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जहां पे डिस्टर्ब है, जैसे हम अपने बेडरूम में इसको लगा सकते हैं रिलेशनशिप बेटर करने के लिए। और आज इन लाइफ के अंदर सबके पास मोबाइल्स है, टीवी है, बेडरूम्स के अंदर हस्बैंड का मोबाइल, वाइफ का मोबाइल, तो उनमें से जो रेज निकलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में वो डिस्टर्ब करते हैं। ये हिमालयन पिंक सॉल्ट रखने से आपके घर की जो एनर्जी है, बेडरूम की एनर्जी है, वो प्यूरिफाई होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को कट करती है। दूसरा बेनिफिट क्या है, घर की ओरा को पावरफुल करता है, इसलिए आप इनको बेडरूम में लगा सकते हो, ड्राइंग रूम में भी लगा सकते हो। यदि आपका एंट्रेंस गलत है, गलत डायरेक्शन में है और वहां से आपको लगता है कि नेगेटिव रेज आ रहे हैं, घर में कहीं ना कहीं तनाव है, तो आप अपने घर के एंट्रेंस के नियर बाय ये लैंप को रख सकते हो। एवरी डे इसका यूज करना है। जिन लोगों को अस्थमा है उसके लिए भी ये लैंप बहुत ही बेनिफिट है, क्योंकि ये क्या करता है, एयर को प्यूरिफाई करता है। इसकी वजह से जिन लोगों को अस्थमा है उनके बेडरूम में ये लैंप रहना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों ये माहिती आपके लिए इसलिए मैं दे रहा हूं कि आपकी लाइफ में बेटर रिजल्ट्स मिले और आप लोग सुखी और स्वस्थ जीवन जिए। मैं संतोष गुरु आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और रेकमेंड करता हूं कि आपके घर में जहां भी आपको नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, या बेडरूम में, या ड्राइंग रूम में, या एंट्रेंस के पास, ये वास्तु के हिसाब से आप हिमालयन पिंक सॉल्ट का ये लैंप अवश्य रखें और खुशी जीवन जिए। शुभम भवतु।